लड़ने के इतिहास में एक जबरदस्त चमकीला अध्याय है। और चूंकि इतिहास सिर्फ कथा या कहानी नहीं होते, आज के लिए सबक होते हैं और आने वाले कल के पथ प्रदर्शक होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है, ये बिल्कुल सही समय है जब हम देश के आंदोलन के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डाल लें। भारत में किसानों के संघर्ष का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी खेती और किसानी है। हालांकि आज का विषय नहीं है ये, लेकिन धरती के जिस हिस्से पर हम रहते हैं उस हिस्से पर खेती काफ़ी पुरानी है। यहाँ के बाशिंदों ने करीब 10,000 साल पहले तांबे का उपयोग सीख लिया था। उसकी वजह से खेती के काम में, पशुपालन के काम में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हुई। करीब 7,000 साल पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का आधार जो था वो कृषि और वाणिज्य था। ये वहाँ के पुरातात्विक के इतिहास ने इस बात को साबित कर दिया है, पुरातात्विक खोजों ने इस बात को साबित कर दिया है। तो करीब 7,000 साल पहले से इस देश में खेती किए जाने के और खेती में जो माल पैदा होता है उसके बेचे जाने के और उसके बदले में ज़रूरत की और श्रृंगार की दूसरी वस्तुओं को खरीदे जाने का इतिहास हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, हालांकि वो भी काफ़ी एक रोचक कथा है। यह हम सिर्फ आधुनिक काल का जो संगठित किसान आंदोलन है उस संगठित किसान आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देश के किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके दिल्ली के कार्यालय में बैठकर मैं अभी आपके बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन इस संगठन के निर्माण की जरूरत क्यों हुई? आज़ादी की लड़ाई लड़ने की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी। अगर वो हम उसको बहुत ही ताज़ा तौर पर भी देखें तो 1857 के बाद से, उसका जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद से लगातार इस देश की जनता अंग्रेज़ों के राज से मुक्ति पाने की कोशिश करती रही, बुद्धिजीवियों के, वकीलों के, शहरी लोगों के, इन तमाम सारे लोगों, सांस्कृतिक कर्मियों के, इन तमाम सारे लोगों के आंदोलन विकसित हुए। लेकिन मजदूर आंदोलन का और किसान आंदोलन का, ये जो मेहनतकश जनता के जो विराट जनता का बहुमत था, उस आंदोलन की विकास किस तरीके से हुई इसको देखने की ज़रूरत है। अखिल भारतीय किसान सभा बनी तो 1936 में, इसके गठन की ज़रूरत क्या थी? अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो तीन महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण थे जिन तात्कालिक कारणों से ये किसान सभा संगठित हुई। पहला तो एक बड़ा कारण था, देश के किसान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी चाहते थे और उस समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के का एक आम एजेंडा था अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन अंग्रेजों वापस जाओ तो क्यों वापस जाओ और वापस जाने के बाद यहाँ क्या होगा, इस सवाल को लेकर वो एजेंडा काफ़ी गोलमोल था। इसलिए किसानों ने इस बात को महसूस किया कि इस स्वतंत्रता संग्राम के आम एजेंडे में, जो केवल राजनीतिक आज़ादी की मांग कर रहा है, उसे थोड़ा आगे ले जाने के लिए और एक ऐसी आज़ादी जो किसानों और मजदूरों सहित भारतीय आवाम की सच्ची मुक्ति तक ले जाने की ताकत रखती हो, एक ऐसी आज़ादी के मांग पत्र को भी स्वतंत्रता संग्राम के एजेंडे में जोड़ना, उसके साथ मेहनतकश जनता को भी उस आंदोलन के एजेंडे में जोड़ना। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश किया था उसके बारे में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की खेती किसानी और किसानों की सामर्थ्य का जिस तरीके से नुकसान किया था, जिस तरीके से सर्वनाश और सत्यानाश किया था, उन्हें बदला जाए उस तरीके की नीतियाँ लाए जाने का भी सवाल था। और इसीलिए तीसरा जो उनका लक्ष्य था कि सिर्फ अंग्रेजों के भगाने से कुछ नहीं होने वाला, राजे रजवाड़ों, धन्ना सेठों, देशी विदेशी पूंजी के जो घराने हैं उन सब की सत्ता ख़त्म की जाए और मेहनतकश जनता, किसानों के राज को, मजदूरों के राज को कायम किया जाए। क्या स्थितियां थी जिनकी वजह से वो इतने ज़्यादा बेचैन और इतने ज़्यादा आक्रोश में थे कि न केवल वो लड़ रहे थे, जिसके बारे में अपन संक्षेप में बातचीत करेंगे अभी, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें अपने संगठन की आवश्यकता भी महसूस हुई कि अब इस लड़ाई को अगले मुकाम तक पहुंचाना।
अंग्रेजी राज में भारतीय किसानों और जनता की लूट हमारे इतिहास की सबसे विनाशकारी बर्बर और सर्वआयामी लूट है। सबसे बर्बर अंग्रेजी पूंजी जो व्यापार करने के नाम पर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आई थी, वो व्यापार करने के नाम पर आई थी, लेकिन उसके बाद वो औद्योगिक पूंजी भी बन गई, उसके बाद वो वित्तीय पूंजी भी बन गई, और उसके बाद वो इस तरीके से विश्वेल की तरह फैल गई कि उसने हमारे देश के अर्थव्यवस्था के सारे आयामों को और जीवन के सारे आयामों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी कितनी उसने जो लूट की है वो कितनी जबरदस्त और भयानक थी, उसके कितने अमानवीय परिणाम निकले, इसकी दो तीन मिसालें ही अगर हम लोग ले लें तो वो काफ़ी है। हालांकि उस पर काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा की जा सकती है। किसान सभा की ओर से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उस खेती किसानी को कितना नुकसान पहुंचाया था, वो कितनी लूट भयानक थी और कितनी अमानवीय थी, उसके बारे में बात करें। लेकिन उससे बड़ी मिसाल अब तक के इतिहास में और कोई नहीं है। मैं दो तीन उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूँ। अंग्रेजों ने इस देश के परंपरागत कृषि के जो संबंध थे उन संबंधों में मूलगामी परिवर्तन किए, विनाशकारी परिवर्तन किए। उन्होंने मालगुजारी की दरें भयानक रूप से बढ़ा दी, और मालगुजारी की दरें उन्होंने इतनी बढ़ा दी कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि 1895 में लगान जो लिया जाता था उस लगान की दर 61% हुआ करती थी, 61%, 1921 में वो बढ़कर 73% हो गए। अंग्रेजों के पहले के जो हिंदुस्तानी शासक थे उनका कुछ अध्ययन किया गया और उसके मुताबिक बंगाल में अंग्रेजी राज के आने के पहले के जो शासक थे उन्होंने 1764 में 817,000 पौंड की मालगुजारी वसूली थी। 1764 में बंगाल में 817,000 पौंड की मालगुजारी वसूली गई। ये कार्नवालिस के आने के बाद और जिसे वो कहते हैं इस्तेमरारी बंदोबस्त, भूमि के नए संबंध, उसे उन्होंने नाम दिया था इस्तेमरारी बंदोबस्त। उस इस्तेमरारी बंदोबस्त के आने के बाद वो जो 1793 में मतलब केवल 9 साल में ही वो बढ़कर 34,00,000 पौंड तक पहुंच गए। उसमें किसी किस्म की रियायत, किसी किस्म का रहम या किसी किस्म की मानवीयता नहीं थी। खुद वारेन हेस्टिंग्स की ने अपनी रिपोर्ट जो अंग्रेज सरकार को भेजी थी लंदन के लिए, उस रिपोर्ट में उसने ये लिखा था कि 1770 के बंगाल बिहार उड़ीसा के अकाल में जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1/3 से ज़्यादा जमीन जंगल बन गई थी क्योंकि उनमें खेती करने वाले लोग मर चुके थे, इतनी घने जंगल में तब्दील हो गई थी कि वो जंगली जानवर भी उसमें रहने लगे थे, इसके बाद भी वारेन हेस्टिंग्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इसके बाद भी मालगुजारी पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा वसूल की गई। ये मालगुजारी जो सरकारी खजाने में जमा होती थी अंग्रेजों के खजाने में, उसके अलावा उनके कारिंदों की लूट इसके अलावा थी। तीसरा काम जो उन्होंने किया वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में चलने वाले, यूरोप में चलने वाले जो कपड़ा कारखाने थे उन कपड़ा कारखानों के लिए नील पैदा करने के लिए किया। और इसकी वजह से जैसे कि कई बार कहा जा चुका है, जिस ज़मीन पर नील की ठेका खेती होती थी, वो जो ठेका खेती ला रहे हैं श्रीमान मोदी जी, उसकी जो बड़ी बहन थी वो नील की जो ठेका खेती हुआ करती थी, उस नील की ठेका खेती जहाँ जिस ज़मीन पर 3 साल तक हो जाती थी वो ज़मीन आगे आने वाले वर्षों में 5 वर्षों के लिए बंजर हो जाया करती। हालत ये थी कि मुगल काल में किसानों से 1/3 लगा लिया जाता था, जो विलायती जमींदारी प्रणाली के आने के बाद अंग्रेजों ने दोगुना कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि 80% से ज़्यादा किसान कर्जे में डूब गए, और इनमें से 1/4 कर्जा ऐसा था जो लगान चुकाने के लिए लिया जाता था। खेती बर्बाद कर दी उन्होंने, तबाह कर दी। और केवल खेती बर्बाद नहीं हुई, बाकी की जो भी जो ग्रामीण आबादी थी, मजदूर आबादी थी, उस पर भी बहुत विनाशकारी असर हुआ। हस्तशिल्प खत्म हो गया, जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए,
उन पर आने के पहले खेत मजदूर की आमदनी की हालत ये हुई कि 1842 में खेत मजदूर की आमदनी 1 आना हुआ करती थी, 90 साल बाद वो 1922 में बढ़कर 4 से 6 आने हो गई। दिखने में ये बड़ी मगर असल में ये आधी रह गई। कैसे? ऐसे कि 1842 में चावल की कीमत 40 सेर प्रति रुपया हुआ करती थी और 1922 में चावल 1 रुपये का 5 सेर था, मतलब 8 गुना बढ़ गई थी कीमत चावल की। एक खेत मजदूर 1842 में दिन भर की मजदूरी से अगर 2.5 किलो चावल खरीद सकता था तो 1922 में पूरे दिन भर की मजदूरी के बाद केवल 1.25 किलो चावल खरीद सकता था। तो 1 आने से 4 आना 6 आने होने से उसके जीवन पर फर्क नहीं पड़ा, जीवन पहले से ज़्यादा कठिन हो गया। इतनी भयानक मौतें हुई अकाल की वजह से और इन सब की वजह से कि इसका शोर पूरी दुनिया भर में मचा। तो 1926 में अंग्रेजों की सरकार ने रॉयल कमीशन भेजा और उस रॉयल कमीशन ने बड़ी लंबी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उस रॉयल कमीशन को साफ साफ कहा गया था कि लगान, जमींदारी, मालगुजारी और आबपाशी सिंचाई उसकी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके बारे में किसी भी तरीके का सुझाव पेश करना कमीशन का काम नहीं है। मतलब लूट की जो असली वजह थी उनके बारे में कमीशन किसी भी तरीके की सिफारिश नहीं दे सकता। दादा भाई नौरोजी जी एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए हैं और जिन्होंने इस भारत में अंग्रेजों की लूट को लेकर बहुत विशद अध्ययन किया है। उन्होंने 1901 में लिखा था कि महमूद गजनबी 18 बार पे हमले करके जितना लूट कर नहीं ले गया था उससे ज़्यादा अंग्रेज 1 साल में लूट कर लंदन ले जाते हैं। मगर एक और फर्क था, गजनबी के 18वें हमले के बाद उसके दिए गए घाव भर गए, लेकिन अंग्रेजों की लूट ने इस देश के उत्पादन की और खेती की बुनियादी शक्तियों पर जो हमला किया, उनका जो विनाश किया, उनका जो ध्वंस किया, वो घाव कभी नहीं भर पाए। आज भी उन घावों को इस देश की जनता भुगत रही है, इस देश की खेती किसानी भुगत रही है। और केवल डायरेक्ट खेती पर उन्होंने जो हमले किए केवल उसका ही असर नहीं पड़ा, उस पर एक अपरोक्ष असर भी पड़ा कि जितने भी दस्तकार जिन्हें अंग्रेजों की अपने माल से इस देश को पाटने की नीति ने बर्बाद कर दिया था, वो सबके सब खेत की ओर वापस गए और नतीजे में ये निकला कि जो खेती पहले से ही अलाभकारी थी और भी ज़्यादा अलाभकारी हो गई। अंग्रेज के हमारे आर्थिक ढांचे, कपड़े और दस्तकारी के मामले में दुनिया भर में हमारी धाक थी, अंग्रेजों ने उसकी कमर तोड़ दी। ढाका की कहानी आपने सुनी होगी कि ढाका पर के मलबल के कपड़े को बर्बाद करने के लिए केवल चुंगी नहीं बढ़ाई, केवल टैक्स नहीं बढ़ाया, केवल दमन नहीं बढ़ाया, बल्कि वहाँ के करगे भी तोड़ दिए गए। कहा जाता है कि वहाँ के उस मलमल के रिफाइंड कपड़े को बुनने वाले लोगों के अंगूठे तक भी काट दिए गए थे। मैनचेस्टर के कपड़ों से इस देश को पाटना था, इसलिए ये किया। और ये केवल कपड़े के साथ नहीं हुआ, लोहे, तांबे और पीतल के उद्योग व्यवसाय के साथ भी यही हुआ। नतीजा मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, नतीजा ये निकला, 2 शहरों की बात कर रहा हूँ, नतीजा ये निकला कि मुर्शिदाबाद नाम का शहर जो संपन्नता और आबादी के मामले में लंदन के बराबर हुआ करता था वो भुतहा शहर हो गया, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन यापन के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। ढाका की आबादी 1880 में 2 लाख और निर्यात 1 करोड़ था, वो 1890 में घटकर 79,000 और निर्यात रह गया 30 लाख। सूरत तबाह हो गया, गोरखपुर तबाह हो गया। गोरखपुर में 1,75,600 महिलाएं चरखा कात कर सूत का उत्पादन किया करती थी, वो बेरोजगार हो गई। हिंदुस्तान के मैदानों में जुलाहों की हड्डियां बिखरी हुई थी क्योंकि उनके माल से इस देश को पाटा जा रहा था, ये भी लौट कर गए। और उसका नतीजा क्या निकला, इसका केवल 2 आंकड़े काफ़ी हैं, आमतौर से व्याख्यानों में आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं होती। एक आंकड़ा तो यह कि 18वीं सदी में इस देश की शहरी आबादी करीब 50% हुआ करती थी, कुल भारतवासियों का 50% शहरों में रहा करता था। 19वीं सदी के अंत में घटकर ये आबादी केवल 15% रह गई। शहर के लोग बेदखल होकर दोबारा से उस गांव की ओर लौट गए जहाँ की खेती पहले से ही बहुत ज़्यादा अलाभकारी थी। जीविका के बाकी के जो साधन थे वो बर्बाद हो गए। 1900 और
इसका गांव के मजदूर की आमदनी पर भी असर पड़ा। 1891 में खेतीयर मजदूरों की संख्या हुआ करती थी 61% के आसपास, जो 1921 में 30 साल के अंदर बढ़कर हो गई 73%। और खेतीयर मजदूर भी इस बीच में लगातार बढ़कर 33% से 50% हो गए। पहली वाली जो संख्या थी वो खेती करने वालों की संख्या थी, जो 61% से 73% हो गई, और खेतीयर मजदूर भी 33 से बढ़कर 50% हो गए। इस अन्याय के खिलाफ, अंग्रेजों की इस लूट के खिलाफ इस देश के किसानों ने जो आंदोलन किए, जो संघर्ष किए, उनकी कोख से जन्मा इस देश के किसानों का पहला संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS। क्योंकि ये जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्षों के भी जबरदस्त उबाल आए, बगावतें हुई, विद्रोह हुए, और ये बगावतें और विद्रोह केवल एकाध इलाके पर नहीं हुई, इनका अखिल भारतीय विस्तार था, ये विराट थी, लाखों लोगों की भागीदारी थी, ये लंबे समय तक चलने वाली थी, और क्रूर और अमानवीय दमन के बावजूद भी ये काफ़ी समय तक बनी रही। इन्हीं के बीच में से निकल कर आया अखिल भारतीय किसान सभा का वो संगठित आंदोलन, जिनमें इन सारी बगावतों को, सारे विद्रोहों को, सारे आंदोलनों को, पूरे देश के किसानों की तकलीफों को एकजुट तरीके से राष्ट्रीय पैमाने पर, अखिल भारतीय पैमाने पर उठाने का फैसला लिया। क्या थी ये बगावतें, इनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लेकिन 1855 में संथाल आदिवासियों ने बगावत की, 1875 में दक्षिण के किसानों ने विद्रोह किया, मुंबई में भील और कोलों ने विद्रोह किया, राजपूताना में मेघ बगावत हुई, कांची, छोटा नागपुर, खोंडस, उड़ीसा, गोंड, मध्य प्रांत, मोपला, मलावार, सन्यासी, फकीर बगावतें, और चौरी चौरा का जो शानदार सत्याग्रह था वो भी इसी में था। उत्तर प्रदेश में तो शायद ही ऐसा कोई जिला बचा था जहाँ के किसान बगावत पर निकल कर नहीं आए। 1857 की लड़ाई भी तो किसानों की बगावत थी, उसे अंग्रेजों ने कहा सिपाही विद्रोह, कार्ल मार्क्स ने कहा कि वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, और एक बार अगर यहाँ की गांव की जनता जाग गई है, खेती किसानी की करने वाले लोग अगर जाग गए हैं, और उन्होंने अपनी धार्मिक और जाति की बेड़ियों को तोड़कर अपने आप को एकजुट कर लिया है, संगठित अगर कर लिया है, तो अब अंग्रेजों के राज को इस देश में कोई नहीं बचा सकता, उन्हें जाने ही पड़ेगा देर सवेर, और उन्हें जाने ही पड़ेगा। 1857 की कहानी तो मालूम ही होगी आपके, वो बगावत किस तरीके से रातों रात फैली। ये मूलतः किसानों के असंतोष का विस्फोट था। किसान एक गांव से दूसरे गांव तक एक रोटी पर नमक और मांस का टुकड़ा रखकर भेजते थे, 5 रोटियां बनाते थे, 5 गांव में भेजते थे, और जो भी गांव उनके संदेश को समझकर बगावत में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता था, उस गांव में 5 रोटी बनती थी, बाकी के 5 गांव के लिए भेजी जाती थी, और 72 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के शॉर्ट पीरियड में, ये अवध से लेकर मगध तक, बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यापक हिस्से में पहुंच गया, और अंग्रेज उसको समझ ही नहीं पाए। उसके बाद जिस तरीके से राज चला वो अलग विषय, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह हुई कि इस दौरान किसानों ने लड़ने के लिए अपनी गांव सभाएं बनी, उन गांव सभाओं को सूबा सभा बनाया, जिला सभा बनाया, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के संगठन थे, और उन आंदोलनों के संगठनों को एकजुट किया जाए। इस सवाल पर उस वक्त जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उनके बीच में आपस में विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श के बाद एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने की थी, उस और उसमें जयप्रकाश नारायण और प्रोफेसर NG रंगा, इन दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई। ध्यान रखिए, जिम्मेदारी किनको मिली, NG रंगा और जयप्रकाश नारायण जी, और उनसे ये कहा कि पूरे देश भर में ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इन किसान आंदोलनों को संगठित करने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाना चाहिए, और 11 अप्रैल 1936 के दिन वो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यहाँ पर एक बात खास तौर से ध्यान रखने की है, मेरे किसान आंदोलन के साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए ये खास तौर से कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन के निर्माण की फैसला करने वाली बैठक की अध्यक्षता एक महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी।
और जैसे ही ये सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन ने ये तय किया कि पूरे देश भर में जितने भी आंदोलनरत किसान हैं उन सबको संगठित किया जाए और उन सबको एक राय में जोड़कर उन विद्रोह की, बगावत की, असंतोष की, आक्रोश की विविध धाराओं को एक साथ इकट्ठा किया जाए और उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को पूरे देश के पैमाने पर लड़ा जाए। सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन ने उस वक्त के भारत के सबसे बड़े नेता और आज तक के भारत के सबसे बड़े नेताओं में से अग्रणी नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को अपना पहला अध्यक्ष चुना। कमला देवी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। जयप्रकाश नारायण एनजी रंगा के संयोजकत्व में पूरे देश भर के किसानों के संगठनों को इकट्ठा किया गया है और उसके पहले अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में ये कह दिया था कि ये किसानों का संगठन है, ये पूरी आज़ादी चाहता है इस देश की और इसकी लड़ाई का मकसद जो है वो किसानों और मजदूरों और शोषितों को पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक ताकत दिलाने की लड़ाई है। सहजानंद सरस्वती जी अध्यक्ष चुने गए और प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव चुने गए। ये संघर्षों की कोख में से निकला हुआ किसानों का संगठन है। ये अंग्रेजों की लूट, राजे रजवाड़ों की लूट, सामंतों की लूट और इस देश की के खिलाफ और इस देश की गरीब जनता के, खास तौर से ग्रामीण जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक संघर्षों की अभिव्यक्ति के रूप में निकल कर आया। इसने लाल झंडे और मजदूर किसानों के औजारों को अपना निशान बनाया। किसान सभा को जिन लोगों ने बनाया वो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े योद्धा थे। ये वो लोग थे जो तिरंगा झंडा लेकर जेल जाया करते थे, लाठियां खाया करते थे, गोलियां खाया करते थे, लेकिन जब संगठन का नाम तय करने के वक्त आया तब उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का नाम अखिल भारतीय किसान सभा होगा और जब झंडा तय करने का नाम आया तो तब उन्होंने तय किया कि हमारे हर सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा लेकिन हमारे अपने संगठन का झंडा लाल होगा। सहजानंद सरस्वती कम्युनिस्ट नहीं है, एनजी रंगा कम्युनिस्ट नहीं है, वो तमाम सारे नेता कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो उस झंडे को चुनना है क्यों? उन्होंने कहा कि इस पर किसान का हसिया और मजदूर का हथौड़ा दोनों रहेंगे। ये नाम तय करना और झंडा तय करना सिर्फ नाम और झंडे का सवाल नहीं था, ये किसानों की अपनी राजनीति और कार्यनीति दोनों से जुड़ा हुआ सवाल था। सार रूप में ये वैचारिक मोर्चे पर जो वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति थी उसको मूर्त रूप देने का काम था। पहली मीटिंग में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम रखा गया लेकिन एक साल में ये तय किया गया कि नहीं, हम कांग्रेस जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन की एक बड़ी ताकत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसानों का संगठन रहेगा इसलिए इसका किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नाम जोड़कर नहीं रखा जाएगा, किसान सभा होगा। जुलाई 1937 में आके अखिल भारतीय किसान सभा उन्होंने कर लिया। ये जो किसान सभाएं थी, ये जो आंदोलन थे, जो नाम मैंने आपको गिनाए और जो सैकड़ों की संख्या में चल रहे थे, वो पहले से ही लाल झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि लाल झंडा संघर्ष का झंडा था, राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था। 1920 में लाल झंडे वाली राजनीतिक पार्टी के बनने के पहले से ही किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलनों की तहरीक में लाल झंडे आते थे क्योंकि जनता उसको अपने संगठन का, अपने संघर्ष का झंडा मानती थी और इसीलिए इस पर बहुत बहस हुई कि हमारा झंडा किस तरीके से होना चाहिए और पूरी सर्वसम्मति के साथ किसान सभा ने उस जमाने में ये तय किया कि चूंकि हमारी लड़ाई किसान मजदूरों की मुक्ति के लिए है, किसानों, खेत मजदूरों, गरीब किसानों और मजदूरों की मुक्ति संघर्ष, मुक्तिकामी संघर्ष की धुरी है, इसलिए हसिया हथौड़ा हमारा झंडे पर रहेगा। और ये केवल प्रतीकात्मकता की बात नहीं थी, ये किसान सभा की रीति नीति, रणनीति और कार्यनीति इन चारों चीज़ों से जुड़ी हुई बात थी। क्यों? इसलिए कि वो ये मानते थे
कि हमारा लक्ष्य है इस देश में किसानों और मजदूरों को मुक्ति दिलाने का काम, इसलिए उनके जो औजार हैं, उनकी जिंदगी के जो औजार हैं वो हमारे साथ रहेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा जो बाद में स्वतंत्र पार्टी के बड़े नेता हुए, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, ये सब किसान सभा के अध्यक्ष थे उस पूरे दौर में जब किसान सभा का झंडा लाल और उसके चिन्ह पर हसिया हथौड़ा मौजूद था। इन सारे अध्यक्षों ने, जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र देव जी ने, रंगा साहब ने, सहजानंद सरस्वती ने, इन्होंने भी उस लाल झंडे को अपने कंधे पर उठाया और उसी के आधार पर किसान आंदोलनों को आगे बढ़ाया। ये केवल ए के गोपालन का झंडा नहीं है, ये केवल विनय कृष्ण कुनार का झंडा नहीं है, ये केवल गोदावरी परुलेकर का झंडा नहीं है, ये किसान आंदोलन के अंग्रेजों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, रजवाड़ों के खिलाफ लड़ते हुए उस पूरी अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा है, हसिया हथौड़े वाला झंडा है, जिसे इस देश में सारी विचारधाराओं पर चलने वाले लोगों ने एकजुट किसान संगठन के प्रतीक के रूप में बनाया था। ये किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं है, किसानों का अपना झंडा है। और इसीलिए कोई फल या कोई फूल या कोई हाथ या कोई पांव या कोई घोड़ा या खच्चर उसके झंडे पर नहीं होगा। दुनिया के सृजन में किसान मजदूरों के लिए रोज़ जो चीज़ काम आती है, रोज़ जो हसिया हथौड़ा काम आता है, वो रहेगा, क्योंकि वही उनकी जिंदगी के सहारे हैं और वही उनके भविष्य के निर्माण के सहारे भी हैं। इसलिए कुछ मित्र लोग अगर नासमझी में ये सवाल उठाते हैं तो अपनी समझ को ठीक कर लें, और कुछ मित्र लोग अगर जानबूझकर इस सवाल को उठाते हैं तो वो इस बात को ठीक कर लें कि ये लाल झंडे पर, लाल झंडा और हसिया हथौड़े वाला चिन्ह जो अखिल भारतीय किसान सभा को है, वो उसकी उस पुरानी इतिहास की धरोहर का हिस्सा है, जिस इतिहास की धरोहर में सारे लोग शामिल थे और उन्होंने ये तय किया था, इस किसान सभा ने ये तय किया है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कई बार ऐसे दौर भी आए, आज़ादी के पहले भी जब चुनाव हुए थे धारा सभाओं के लिए और आज़ादी के बाद भी जब चुनाव हुए, तब कई बार इस तरीके की भी बातें आईं कि किसान सभा को चुनाव लड़ना चाहिए। किसान सभा ने अपनी लंबी चर्चा के बाद ये फैसला लिया कि नहीं, किसान सभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि किसान सभा सारे किसानों की सभा है, उसका संगठन आम किसानों का वास्तविक संगठन है, इसे हम किसानों के मुद्दे पर संघर्ष के हथियार के रूप में सीमित रखेंगे, राजनीतिक आधार पर इसको विभाजित होने की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। और यही बात हुई कि ये तय हुआ कि इसकी सदस्यता या इसके नेतृत्व में आने के लिए किसी भी तरह नहीं है। किसानों के लिए लड़ना, ईमानदारी के साथ संघर्ष करना और अखिल भारतीय किसान सभा के लोकतांत्रिक संविधान में विश्वास रखना ही ये काफ़ी है। देश भर में 1,70,00,000 से ज़्यादा सदस्यता तक रखने वाली किसान सभा चुनाव नहीं लड़ती। कौन किसको वोट देता है, किस पार्टी में रहता है, इसके आधार पर वो सदस्यता देने का काम या इसके आधार पर वो नेतृत्व को चुनने का काम नहीं करती। स्थापना के वक्त ही उसने तय किया था कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का है वो 6 आना सदस्यता शुल्क देकर इसका सदस्य बन सकता है। उस वक्त इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ी हुई थी, उसकी सदस्यता शुल्क हुआ करती थी 4 आना, किसान सभा ने तय की थी 6 आना। हालांकि अब अखिल भारतीय किसान सभा ने आनों और पैसों में तब्दीली और विकास होने के बाद अब वो मेंबरशिप 2 रुपये वार्षिक कर दी है, लेकिन उसमें कोई शर्त नहीं थी। उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, वो इस किसान सभा का मेंबर बन सकता है। आज़ादी के बाद किसान सभा ने अपना संघर्ष बंद नहीं किया। जिन महान संघर्षों ने अखिल भारतीय किसान सभा की बुनियाद रखी थी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, अपने निर्माण के बाद उसने इन संघर्षों को आगे बढ़ाया। पहला काम तो ये किया कि आज़ादी की लड़ाई में किसानों की भागीदारी कराई। कांग्रेस पार्टी राजे रजवाड़ों के इलाकों में आंदोलन करने के लिए नहीं जाती थी,
कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना या उनके द्वारा जो अंग्रेजों के चाकर जो सामंत हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, उनके खिलाफ संघर्ष करना नहीं था। वो केवल ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। किसान सभा ने कहा कि नहीं, जमींदारों के अन्याय और उनके शोषण के खिलाफ भी संघर्ष किए जाएंगे। 1936 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और इसके अनगिनत साथियों ने, चाहे वो कयूर में हो चाहे दूसरी जगह हो, शहादत दी थी। आज़ादी के ठीक पहले तेलंगाना के निजाम के खिलाफ जो वहाँ के किसानों ने बगावत की थी, जो अक्टूबर 1946 से लेकर 21 अक्टूबर 1951 तक चली थी, वो एक भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में एक बड़ी मिसाल है। वो निजाम जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, उस निजाम को भारत में शामिल होने के लिए मजबूरी नहीं किया गया, बल्कि उसकी जमींदारी, उसकी सामंती, उसके ज़मीन पर कब्जेदारी, उसके रजाकारों की गुंडागर्दी, इन सब पर मुकाबला करते हुए 3000 गांवों में किसानों ने अपना राज स्थापित किया था और लगभग 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन निजाम की छीन के लोगों के बीच में बांटी थी। यही लड़ाई थी जिसकी वजह से आज़ादी के बाद भूमि वितरण का एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडे में आया। एक और लड़ाई थी पुनप्रा और व्यालार की, जहाँ पर कपड़े और खाने पीने की चीज़ों और केरोसिन और चीनी की कमी के संकट की वजह से जो एक आंदोलन विकसित हुआ था, और उस आंदोलन में उस वक्त के जो जमींदार थे और नारियल रेशा उद्योग के जो मालिक हुआ करते थे, उनके हमले की वजह से जिसमें सैकड़ों किसानों की शहादत हो गई थी, उसकी वजह से अक्टूबर 1946 में बगावत भी हुई वहाँ पर, जिसके बाद केरल में भूमि सुधारों के की पूरी बुनियाद तैयार की गई। एक और लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई, जो बंगाल के अनेक जिलों में एक साथ उभरी, तेभागा आंदोलन के रूप में, और जोतदारों को उपज का एक और बटाईदारों को दो हिस्से देने की मांग पर हुआ। अनगिनत लड़ाई है, सूरमा बैली की लड़ाई, गोरा घाटी की लड़ाई, वर्ली के आदिवासियों का विद्रोह, ये तमाम सारी शानदार लड़ाइयाँ हैं जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के किसान आंदोलनों का इतिहास रचती हैं। बंगाल में खास लैंड को लेके, लगान को लेके, बिहार में बख्शत सत्याग्रह को लेके, पंजाब में टेनेंसी बिल को लेके, छोटा नागपुर की आदिवासियों के संघर्ष, मध्य प्रांत में गोंडों और भीलों के संघर्ष, इन सारे संघर्षों की अगुवाई इस अखिल भारतीय किसान सभा ने की। पंजाब और पेप्सू के किसानों की बेटरमेंट की जो लड़ाई थी उसकी भी की, और बाद में खाद्य सवाल को लेकर, देश की फूड सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और जब इन आंदोलनों के परिणाम के रूप में इन सामंतों और जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टियां राज्य सरकारों में से हटें और दूसरी पार्टियां बनी, जो जो किसानों की हमदर्द पार्टियां थीं, उन्होंने जब अपना राज्य कायम किया तो उन्होंने किसान सभा के आंदोलन की इन मांगों को स्वीकार किया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, और किसान सभा ने उनके उन फैसलों को लागू कराने में ज़बरदस्त तरीके से योगदान दिया। तो किसानों के हितों की रक्षा, आधुनिक दौर में किसानों के हितों की रक्षा, विश्व व्यापार संगठन सहित नवउदारीकरण के जितने भी हमले हुए उनके प्रश्नों पर लेकर, अभी हाल के दौर में पशु व्यापार को लेकर जो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक हमले किए जा रहे हैं, उन सवालों को लेकर, भूमि अधिग्रहण के कानून को उलटवाने के लिए जो 2014 में मोदी जी लेके आए थे, या आदिवासियों के वनाधिकार को जलाने के लिए, इस बीच में जितने भी शानदार संघर्ष हुए हैं, किसान सभा इनकी धुरी रही है। हाल के दिनों में राजस्थान के किसानों ने पानी के सवाल को लेकर और पशु व्यापार में लगी हुई बंदिशों के सवाल को लेकर जो आंदोलन किया था वो हमारे सामने है। नासिक से लेकर मुंबई तक किसानों ने जो ऐतिहासिक पैदल यात्रा निकाली थी, ये सब हमारी ताजी याददाश्त में, इनको कभी दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल वो नज़र डाल लेना चाहते हैं कि आज दिल्ली की पांचों बॉर्डर्स पर या आज हिंदुस्तान के तमाम सारे जिलों में और सभी राज्यों में किसान जिस तरीके से एकजुट होकर आंदोलनरत है, सड़कों पर है, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे 1936 से बनी हुई किसान सभा की, इस देश के किसानों की एकता को कायम करने की कोशिश है, जो पिछले 15-20 साल में, खासतौर से पिछले 10 साल में,
जब नवोदारीकरण की नीतियों का खेती और किसानी पर असर पड़ने लगा, उस दौर में और ख़ास तौर से तेज की गई और पूरे देश भर में जितने भी किसान संगठन हैं, सबसे कहा गया कि किसी भी रंग की टोपी पहनिए, किसी भी रंग का झंडा लगाइए, किसी भी नेता का नारा लगाइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बाद में वोट देना हो तो दीजिए, लेकिन अभी हम सारे किसान संगठनों को एकजुट होकर इकट्ठा होना चाहिए और इन नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर में हमें मुकाबला करना चाहिए। किसान सभा ने इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया। आज़ादी के पहले देश के सारे सूबों और जिलों में लड़ने वाले संगठनों को, किसान संगठनों को अखिल भारतीय किसान सभा में एकजुट करने का, और आज़ादी के बाद और ख़ास तौर से नवोदारीकरण के दौर में उससे प्रभावित सारे किसान संगठनों को मुद्दा आधारित एकता पर, संघर्ष आधारित एकता पर एकजुट करने में अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले 2014 में जब भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे मोदी जी, उसके खिलाफ जो एक शानदार आंदोलन विकसित हुआ और मोदी जी को वो कानून वापस लेना पड़ा, एनडीए की सरकार को वापस लेना पड़ा, उसी के साथ फिर एक भूमि अधिकार आंदोलन का गठन किया गया, जिसमें इस देश की भूमि को कॉरपोरेट कंपनियों से और कंपनीकरण से बचाने के लिए आदिवासियों की ज़मीन को, जंगल की ज़मीन को कंपनियों के शोषण से बचाने के लिए एकजुटता बनाएगी, इसमें 86 संगठन शामिल हुए और इसकी अगुवाई में दो दो बार पार्लियामेंट मार्च हुए और ये मांग की गई कि पशु व्यापार पर रोक लगाकर किसान की आमदनी का जो 1/3 हिस्सा पशुपालन और दूध वगैरह से आता है, उसको जिस तरीके से छीना जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और उसकी आड़ में जो सांप्रदायिक और जाति आधार पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं वो रोके जाने चाहिए। उसी के साथ किसान सभा ने पूरे देश भर में एक संघर्ष संदेश जत्था भी निकाला, जिसका समापन 24 नवंबर 2016 की दिल्ली की रैली में हुआ। इसने भी पूरे देश भर के किसानों और उनके संगठनों को प्रेरित करने का काम किया। लेकिन इस एकता बनाने की लड़ाई में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चली गोली में 6 किसानों की शहादत। इससे दो सवाल उभर कर आए। पहला सवाल उभर कर आया कि फसलों के वाजिब दाम किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बर्बादी हो रही है, आत्महत्या हो रही है। दूसरा सवाल आया कि वो कर्ज के फंदे में फंसे हुए हैं। इसलिए इन दोनों सवालों पर एकजुट होकर एक संघर्ष छेड़ने का फैसला लिया गया और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का निर्माण किया गया, जो लड़ाई पहले मंदसौर में पहुंचकर किसान सभा के थोड़े से साथियों ने शुरू की थी। उस लड़ाई को किसान सभा ने बाकी के किसान आंदोलनों के महत्वपूर्ण साथियों के साथ मिलकर पूरे देश भर में एक साझा मंच तक विकसित करने का काम किया, जिसमें अब तक 234 से ज़्यादा संगठन इस AIKSSC के सदस्य बन चुके हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य बन चुके हैं। और इन्होंने न केवल आंदोलन किया बल्कि इस संयुक्त मंच की ओर से इस देश की पार्लियामेंट के सामने 2 दिन तक किसानों ने अपनी पार्लियामेंट लगाई, किसानों ने अपनी संसद लगाई और उस संसद में 2 बिल पास किए। पहला बिल तो ये पास किया कि इस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से लागत प्लस लागत, दोनों तरीके की लागत और उस पर 50% जोड़ के फसल की लागत का 1.5 गुना उनको दिया जाए, इसके आधार पर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। और दूसरा कानून ये बनाया गया कि इस देश में किसानों पर जितना भी कर्जा है उससे इस देश के किसानों को कर्ज से मुक्त कर दिया जाएगा। 21 नवंबर 2017 को पार्लियामेंट के सामने सड़क पर बैठकर किसानों की पार्लियामेंट ने जो फैसले बनाए थे, जो 2 बिल बनाए थे, उन दोनों बिलों को इस देश की लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड KK रागेश ने राज्यसभा में इसको पेश किया और AIKSSC के एक और नेता जो सांसद हैं उन्होंने इसको लोकसभा में पेश किया। इस तरीके से किसानों की एकता न केवल व्यापक हुई, 234 किसान संगठन जुड़ गए, बल्कि इसके साथ साथ वो मुद्दे भी फोकल पॉइंट पर आए जिन मुद्दों पर इन किसान संगठनों के बीच में सर्वसम्मत एकता थी। इसी के साथ एक अखिल भारतीय किसान महासंघ का भी गठन किया गया, उसके जरिए भी एक संयुक्त समन्वय को विकसित करने का काम किया गया जिसमें किसान सभा भी शामिल है। यही एकता थी
यही एकता थी जो 2016 में संघर्ष संदेश जत्थे के जरिए पूरे देश भर में इन नीतियों के जो असर पड़ रहे हैं उनको लेकर गई थी, किसान को और अलग अलग राज्यों में सक्रिय किसान संगठनों को जागरूक करने का, जागृत करने का फैसला लिया था, कोशिश की थी। और यही एकता थी जो 20-21 नवंबर को 2017 में, जिसने दोनों पार्लियामेंट, दोनों बिल बनाते हुए किसान पार्लियामेंट में अपने मंच पर इस देश की 21 राजनीतिक पार्टियों को आने और मंच पर खड़े होकर ये वादा करने के लिए विवश कर दिया था कि अगर वो कभी सरकार में आए तो वो इन दोनों कानूनों को पार्लियामेंट में पास कराएंगे। ये वो एकता है जो संघर्षों के आधार पर विकसित हुई है। फिर इसी बीच में आ गए 3 कृषि कानून और वो एकता और आगे बढ़ी और उस कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश भर के किसानों में, खासतौर से शुरुआत में पंजाब और हरियाणा में किसानों के बीच में आक्रोश का जो विस्फोट हुआ, जो आज 5 बॉर्डर्स पर डटा हुआ है और देश भर में किसान आंदोलनों के रूप में, भागीदारियों के रूप में दिखाई दे रहा है, उन 3 कृषि कानूनों के खात्मे और MSP की कानून गारंटी दिए जाने के सवाल को लेकर ये एकता और आगे बढ़ी और आज 450 से ज़्यादा किसान संगठन, जिनमें पंजाब के संघर्षशील किसान संगठन शामिल हैं, BKU शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश की BKU शामिल है, ऐसे न जाने कितने सारे, जिसमें तराई में सक्रिय किसानों का संगठन शामिल है, ऐसे लगभग 450 से अधिक किसान संगठन भी एक मोर्चे पर आए और आज उस संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में किसान दिल्ली में डटा हुआ। 40 दिन हो गए, वार्ता के 7 दौर हो गए, 8वीं दौर की बात वार्ता होने वाली है 8 तारीख को। कल किसान परिक्रमा करने वाला है पूरी दिल्ली की, कि MP रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर, और 26 जनवरी को दिल्ली में की जाने वाली गणतंत्र दिवस की परेड की ड्रेस रिहर्सल करने वाला है। ये आंदोलन जारी है। इस तरह भारत का किसान अपने अस्तित्व और स्वाभिमान, जमीन और जिंदगी के लिए लगातार लड़ता रहा है। वो पहले राजे रजवाड़ों के बाद से लड़ा, उसके बाद कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ा, उसके बाद कांग्रेस के राज में जिस तरीके की नीतियों को लागू किया गया उसका जो विनाशकारी असर हुआ उसके खिलाफ लड़ा। जब वो एक्ट आ रहा था, वो डंकल प्रस्ताव जब आ रहा था, तो 1995 में लाखों की संख्या में किसान था जिस पर बोट क्लब पर 950 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, घोड़ा पुलिस को भी छोड़ा गया था। इसके बाद तब से जो आंदोलन शुरू हुआ इस डंकल प्रस्ताव, गेट समझौते और उदारीकरण के खिलाफ, वो अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है। इन अंग्रेजों से लड़ा, उसके बाद की हुकूमतों से लड़ा और अब कारपोरेटरों के सामने पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़ा। अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ अब उसका नारा है कि कारपोरेटों इस देश की खेती और किसानी की तरफ निगाह उठाना छोड़ो, इस देश के मजदूरों को लूटने का मंसूबा बनाना छोड़ो। और जो भी संघर्ष होते हैं उन संघर्षों की 2 खास बात होती है। पहली खास बात होती है कि हर संघर्ष अपने संघर्षों की भट्टी में एकता को मजबूत करता है और अपनी लड़ाई के औजार गढ़ता है। अखिल भारतीय किसान सभा इस देश के किसानों के संघर्ष की भट्टी में तपकर निकला एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी किसानों की एकता है जिसने एक ऐसा औजार गढ़ा है जिसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा है और जो देश के सारे किसानों को बिना किसी राजनीतिक पार्टी के भेदभाव को एकजुट करना चाहती है, जो देश के सारे किसान संगठनों से आह्वान करती रहती है कि वो अपने संगठन के अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसानों की साझा मांगों के लिए आकर संघर्ष करें। और उन्होंने उसी दौरान अपने औजार गढ़ने के साथ साथ, संगठन के औजार गढ़ने के साथ साथ, उस औजार में, उसके प्रतीक लाल चिन्ह में उन औजारों के सिम्बल्स, हंसी और हथौड़े को भी सजोया है जो किसान और किसान की खेती में दोनों ही काम आते हैं। लेकिन अगर हंसीए को हम किसान का प्रतीक मान लें, हथौड़े को अगर मजदूर का प्रतीक मान लें, तो जो आज भी ये मानता है कि कॉरपोरेट का हमला दोनों पर है, इसलिए दोनों के मिलकर इन कॉरपोरेट और कॉरपोरेट परस नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उसका इतिहास जो है
इन्हीं किसानों द्वारा अपने हकों और भारतीय समाज की मेहनतकश आबादी की सबसे बड़े हिस्से के संघर्षों उपलब्धियों का इतिहास है, उसके संघर्ष की ताकत को लगातार बढ़ाने का इतिहास है। और यही इतिहास है जो वर्तमान में आज जो भस्मासुर आ गए हैं, आज वो जो तमाम सारे भेड़िए आज खेती की ओर निगाह कर रहे हैं उनसे भिड़ंत करने की ताकत रखता है। यही इतिहास है जो आने वाले भविष्य की राह खोलने की सामर्थ्य भी रखता है। इसलिए आज जो किसानों की एकजुटता है उस किसानों की एकजुटता को बनाए रखने की आवश्यकता है। यही वजह है कि किसान सभा अभी भी मानती है, अखिल भारतीय किसान सभा अभी भी ये मानती है कि किसानों को राजनीतिक पार्टियों और वैचारिक विभाजनों से ऊपर उठकर उन मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए जिन मुद्दों पर फिलहाल हम 3-4 मुद्दों पर इकट्ठा हैं यहाँ पर दिल्ली में। इनका और विस्तार करते हुए अगर भारतीय खेती को इन कॉरपोरेट के चंगुल से दुनिया के बाजार के माल के डंपिंग ग्राउंड बनाने के मंसूबे के चंगुल से और शासक वर्ग में बैठे हुए सामंतों के चहेतों और पूंजीपतियों के वारिसों के चंगुल से अगर बचाना है तो इस किसान एकता को मजबूत बनाना होगा। और किसान एकता की मजबूती का अनिवार्य शर्त है अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठन का ताकतवर होना। ये संघर्ष सफल होगा, ये संघर्ष कामयाब होगा, किसान जीत कर जाएंगे और अगली लड़ाई और भी उत्साह के साथ और भी ताकत के साथ लड़ने के लिए आएंगे। आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।